नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जनरल नॉलेज के। ये सब जो क्वेश्चंस होंगे ये पिछले पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है इनकी अब एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10 पार्ट्स में कंप्लीट होगी, जिसमें हर सीरीज में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस सीरीज में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबल प्राइज ट्वाइस, पहले व्यक्ति कौन थे जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था दो बार। तो हमारा आंसर होगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो थी वो पहली व्यक्ति थी जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था दूसरी बार। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर। तो दोस्तों, पहले परमवीर चक्र विनर कौन थे। तो हमारा आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था ये जो। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉट ईयर डिड द नोबल प्राइज बिगिन। तो दोस्तों, नोबल प्राइज जो है वो स्टार्ट कौन से साल में हुआ था, पहली बार नोबल प्राइज कब दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा 1901 में पहली बार नोबल प्राइज स्टार्ट किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट रामायण। तो दोस्तों, रामायण जो बुक है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया की, उसको किसने लिखा है। तो हमारा आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है वो ऑथर है रामायण बुक के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has the highest production of sugarcane in India? तो दोस्तों, sugarcane जो होती है उसको हम हिंदी में गन्ना बोलते हैं। गन्ना जो होता है उसकी सबसे ज्यादा production करने वाली कौन सी state है। तो हमारा answer होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे ज्यादा production होती है गन्ने की। गन्ना जो होता है उसको कहते हैं sugarcane। बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ। Who gave oath to the president? तो दोस्तों, president जो होता है उसको oath जो होती है वो कौन दिलवाता है। ये question भी काफी ज्यादा important question रहेगा आपके exam के लिए। तो हमारा answer होगा Chief Justice of Supreme Court of India। तो दोस्तों, Supreme Court of India के जो Chief Justice होते हैं वो oath दिलाते हैं president को। Where is the Indian Military Academy located? तो दोस्तों, Indian Military Academy जो है वो कहाँ पे located है। तो हमारा answer होगा देहरादून। देहरादून जो है वहां पर लोकेटेड है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। विच स्पोर्ट इज द डेविड कप रिलेटेड। तो दोस्तों, डेविड कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा टेनिस। टेनिस जो है उससे रिलेटेड होता है डेविड कप। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। तो दोस्तों, पंचतंत्र जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो हमारा आंसर होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वो ऑथर है पंचतंत्र बुक के। बाय विच नेम वॉज द इंडो चाइना एग्रीमेंट साइंड इन 1954। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में, उसको क्या नाम दिया गया था। तो हमारा आंसर है पंचशील एग्रीमेंट। तो दोस्तों, 1954 में जो इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था पंचशील एग्रीमेंट। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड। तो दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको कि एनडीए के नाम से भी जाना जाता है वो कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर होगा इन खरगवासला नियर पुणे। तो दोस्तों, पुणे जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर सिटी है उसके पास एक जगह है खरगवासला, जहां पे लोकेटेड है नेशनल डिफेंस एकेडमी। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। हाउ मेनी टाइम डज अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट। तो दोस्तों, एक मिनट में जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका जो हार्ट होता है वो कितने टाइम बीट करता है। तो हमारा आंसर होगा 72 टाइम्स। तो दोस्तों, जो एक हेल्दी व्यक्ति होता है उसका एक मिनट में 72 बार जो हार्ट होता है वो बीट करता है। Who was the first commander in chief of the Indian army? तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा के एम करियप्पा। K.
एम करियप्पा जो थे वो पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर? तो दोस्तों रबर जो होती है उसकी हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाली कौन सी स्टेट है? तो हमारा आंसर होगा केरला। तो दोस्तों केरला जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है रबर की इंडिया में। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है रबर की वो होती है केरला स्टेट में। विद वॉट इंस्ट्रूमेंट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड? तो दोस्तों एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है पूरे वर्ल्ड का। सबसे बड़ा जो ओशियन है वर्ल्ड का वो है पैसिफिक ओशन, फिर आता है अटलांटिक ओशन, फिर आता है इंडियन ओशन, फिर आता है सदर्न ओशियन और फिर आता है आर्कटिक ओशन। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ओशियन है पूरे वर्ल्ड का वो हो गया पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा जो ओशियन है वो हो गया आर्कटिक ओशियन। ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा लिटरेचर। तो दोस्तों लिटरेचर जो होता है उससे रिलेटेड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। विच इज इंडिया हाइएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड? तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का स्पोर्ट्स फील्ड में, जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड? तो दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड जो होता है उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये पहले व्यक्ति थी जिनको सम्मानित किया गया था मैग्सेसे अवार्ड से। ये जो क्वेश्चन था ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।